तो हम जर्नल एंट्री, हमने बेटे बेसिक्स उसके सीखे, जर्नल एंट्रीज के बेसिक्स क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करना है किसको, असेट्स को एंड एक्सपेंसेस को, असेट्स एक्सपेंसेस एंड ड्रॉइंग्स, ये तीन चीजें आपको आइडेंटिफाई कर लेनी है, ठीक है। और क्या क्या आइडेंटिफाई करेंगे, और बेटे हम आइडेंटिफाई करेंगे लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज इनकम एंड कैपिटल, LIC, लाइबिलिटीज इनकम एंड कैपिटल। इन तीनों में से बेटे अगर कुछ भी बढ़ रहा होता है तो क्या होता है, क्रेडिट, और तीनों में से कुछ भी कम होता है तो, वहीं दूसरी ओर असेट्स एक्सपेंस एंड ड्रॉइंग्स, इनमें से कभी भी कुछ भी इंक्रीज होता है तो और डिक्रीज होता है तो, इसी बेसिस में हमने जर्नल एंट्री अपनी सीखी है। अब बेटे अब वो समय आ गया कि अब हम जर्नल एंट्रीज के आगे की जो प्रक्रिया उस पर पहुंचे, ठीक है। अब सुनो बेटे, सिर्फ जर्नल एंट्री करके आप ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, नहीं बना सकते, तो अब हम सीखेंगे बेटे डिस्काउंट। क्लियर है बात, डिस्काउंट क्या होता है ध्यान से देखेंगे। आपको भी बेटे डिस्काउंट का मतलब पता है, साधारण सा डिस्काउंट का मतलब क्या है, छूट। आप दुकान पे जाते हो, कुछ भी सामान परचेज करते हो, दुकानदार आपको क्या कहेगा कि इतने रुपए का आपको क्या भाई, आपको डिस्काउंट देने वाले हैं और आपको समथिंग पे करना पड़ेगा और कुछ आपके पास छोड़ दिया जाएगा। क्लियर है बात। तो बेटे डिस्काउंट जो है वो दो तरीके का है। कैसा डिस्काउंट है सर, कौन कौन, कैसे कैसे? एक तो है बेटे ट्रेड डिस्काउंट। कैसा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। और दूसरा है बेटे, दूसरे डिस्काउंट का नाम क्या है, बहुत बढ़िया, क्या नाम है, कैश डिस्काउंट। बेटे एक्चुअल में अगर आपको बताएं, ट्रेड डिस्काउंट नाम की कोई चीज होती नहीं। ट्रेड डिस्काउंट इज ओनली अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सिर्फ और सिर्फ क्या है वो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जैसे कि आप देखो, आप ना प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस देखते हो, जो भी प्राइस होता है, एमआरपी, एमआरपी सुना है, प्राइस बोल लो, एमआरपी बोल लो, या फिर आप बोल दो उसको लिस्ट प्राइस, जितना भी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है, हमने हो तो बेटे हमारे कंट्रोल में ना, जितना मर्जी लिख दो। मैंने बेटे प्राइस लिख दिया किसी भी प्रोडक्ट का 1000 रुपीज। अब सपोज़ मैंने ये बताया कि ट्यूशन फीस क्या है हमारी, 1000 रुपये, मान लेते हैं ट्यूशन फीस कितनी है। मैं बेटे जो भी बच्चा आएगा उसको डिस्काउंट दूंगा, 40% डिस्काउंट दे दूंगा बेटे, 1000 का 40% डिस्काउंट दे दूंगा, कितनी बची फीस, 600 रुपये, उतना ही तो मैं लेता हूँ। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो है, मैंने बोला बेटे आपको मैं कितना छोड़ रहा हूँ, 40% डिस्काउंट दे रहा हूँ, वही 40% क्या कहलाता है, ट्रेड डिस्काउंट। समझ गए बात को, वो सिर्फ और सिर्फ बनाने वाली बात है कस्टमर को, जितना बेहतर बना सकते हो आप। हमने देखा होगा बेटे टीवी में एड आता है कि 10000 रुपये का सामान है 90% डिस्काउंट पे मिल रहा है, यानी कि 1000 रुपये का मिल रहा है। समझ पा रहे हो बात को, तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को बनाने की स्ट्रेटेजी है। कस्टमर को आप कैसे मूर्ख बना रहे हो, सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल बेस्ड जो भी डिस्काउंट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो सर ट्रेड डिस्काउंट नेवर बी रिकॉर्डेड, कभी भी इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, नेवर बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, इज इट क्लियर। बट कैश डिस्काउंट क्या होगा, शेल बी रिकॉर्डेड, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है बात। अब बेटे जो कैश डिस्काउंट है ना, ये दो तरीके का हो सकता है। कैसा हो सकता है, दो तरीके का कैश डिस्काउंट, दो तरीके का हो सकता है। सर कौन कौन से दो तरीके का, जल्दी से बता दो बेटे। एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, कैसा रिसीव्ड, क्या है डिस्काउंट रिसीव्ड, एंड सेकेंड वन डिस्काउंट अलाउड।
ठीक है बेटे, डिस्काउंट रिसीव्ड जो है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट कब मिल सकता है? आप कोई सामान खरीदोगे या फिर सामान बेचोगे? जब सामान खरीदोगे तो डिस्काउंट मिलेगा। तो ये क्या होता है? डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेज। कब मिलेगा? ऑन परचेज। क्लियर है बात? और जब भी आपको डिस्काउंट मिलता है तो ये बताओ, फायदा या नुकसान? फायदा। और फायदे बढ़ते हैं, फायदे बढ़ रहे हैं, फायदे बढ़ते हैं तो डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। सारी की सारी इनकम जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट। तो जब हम डिस्काउंट रिसीव्ड की बात करेंगे तो वो क्या होगी? क्रेडिट। समझे बात को? वही देखो, डिस्काउंट अलाउड कब आएगा? डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल्स। डिस्काउंट अलाउ करना, क्योंकि बेटे हम भी तो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इसका मतलब जो भी कस्टमर आएगा हमारे पास वो सामान खरीदेगा, और हम उसको बोलेंगे क्या कि भाई हम आपको इतना रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो डिस्काउंट अलाउ करना वो हमारे लिए क्या है? खर्चा है। खर्चा है या नहीं है बेटे? अगर आपको मैं बोलूं कि 600 रुपये फीस है, 600 रुपये फीस है, अगर आप 3 महीने की फीस एक साथ दे दो, पूरे साल की फीस एक साथ दे दो, मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट 10% पैसा छोड़ दूंगा। 3 महीने की फीस एक साथ दे दी तो बेटे कितना हुआ? 1800। 1800 का 10% कितना हुआ? 180 रुपये। यानी कि मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ कितने पैसे लूंगा? 1620 रुपये लूंगा। ये है एक्चुअल में क्या? कैश डिस्काउंट। जब आप पेमेंट प्रमोशन के लिए जाते हो ना, कस्टमर को प्रमोट करते हो कि भाई आप एक साथ ज्यादा पैसा दे दो मुझे, उसको क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। इज इट क्लियर? तो ऑन सेल्स पे क्या आएगा? डिस्काउंट अलाउड। और जब हम डिस्काउंट देंगे, बेटे 180 रुपये नुकसान था वो मेरे लिए नहीं था, अगर 1800 के बदले मैं सिर्फ और सिर्फ 1620 रुपये लूंगा आपसे, नुकसान है? नुकसान है तो बताओ बेटे। एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। समझ पा रहे हो बात को? ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। कैश डिस्काउंट दो तरीके का हो सकता है, डिस्काउंट रिसीव्ड और या फिर डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड परचेज पे आएगा, और जब भी हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे यानी कि फायदा, तो क्रेडिट होगा। डिस्काउंट अलाउड सेल्स पे आएगा, सेल्स पे यानी कि कस्टमर को आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, मेरे लिए नुकसान है, खर्चा है, और जब ये खर्चा बढ़ता है तो डेबिट होता है। इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है? नोट करेंगे बेटे। लास्ट